मंदिर का जाने के समय मंदिर जाते हैं, पोलिंग बूथ का जाने के समय अलग जैसा बन जाते हैं। सी इट इज नॉट रिजर्वेशन, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन। ये जनरल वाला का बात ही नहीं है, जनरल वाला उनका बॉर्डर क्रॉस करके भाग रहा है। आफ्टर 90s इट हैज रैपिडली चेंज बट टुवर्ड्स द ओनली फॉर द सेक्शन ऑफ द पीपल। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 14। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। मैं स्ट्रेट टॉपिक पे आता हूँ, वी विल नॉट बीट अराउंड द बुश टुडे। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैफिक के टाइम या फिर एक नॉर्मल वॉक के टाइम बहुत सारे नालाज या फिर पिट होल्स इनके सामने तो आते होंगे, मैं भी आता हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती होगी। एंड यूजुअली जब आप उधर से गुजरते होगे तो आपके दिमाग में बेसिक इंस्टिंक्ट एक मिनट में ये आता है कि भाई यहाँ से निकलो, वी हैव टू लाइक एस्केप दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू आर इन कार यू विल मेक श्योर कि यू आर लाइक रोलिंग अप योर विंडोज एंड टर्निंग ऑन द एसी सो दैट यू कैन नॉट स्मेल दैट थिंग। नाउ जस्ट इमेजिन देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग देयर एंड दे आर डूइंग दिस वर्क फॉर लिविंग एंड लिटरली दे आर वर्किंग एट दोज प्लेसेज दैट वी गाइस कांट इवन स्टैंड फॉर 2 मिनट्स। Isn't it painful, right? So moving towards our today's guest, today we have someone that came from that background and now is voice of those people who are facing these kind of problems. So today with us we have Raman Magasese Award winner Mr. Beswada Wilson sir. Beswada sir, welcome to the podcast. So like first of all sir, I would like to start matlab abhi current paradigm ki baat kare. तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस रैपिड ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ में, वेदर इट्स योर सोशल मीडिया, वेदर इट्स एनी सेक्टर यू पिक, हर जगह आपको ग्लोबलाइजेशन मिलने को देखने को मिलती है। सो बेसिकली मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो इस चीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में अगर आप आज लोगों को पूछेंगे तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद ये बोले कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये चीज़ हो नहीं रही है क्योंकि उन लोगों ने वो देखा नहीं है। और अगर आप गूगल पे जाए तो कई बार आपको फैक्ट्स उल्टे सीधे मिलेंगे या फिर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो सर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डू यू थिंक कि जो ग्लोबलाइजेशन की पेस पे हम आज चल रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग उससे ख़त्म हो सकता है, डिस्कार्ड हो सकता है? सी डिनायल कुछ भी ये नहीं है, अभी नहीं है, हाई तो हाई बट इतने नहीं है। ये ऐसा बोलना ये ग्लोबलाइजेशन से शुरू नहीं है, हमारा इतिहास से पहले से है, हमारा का ताकत नहीं है कई कठिन सच्चाई का फेस करना। वी आर नॉट सो ब्रेव एनफ टू फेस द सम रियलिटीज। सो ऐसा हार्ड सच्चाई होते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे, अरे कहाँ है अभी आपका काम खत्म, यू नो नीड टू डू एनीथिंग मोर, अदरवाइज आपने फिर इसका कुछ तो करना। हाँ हाई ऐसा बोले तो एक जिम्मेदारी आप उठाने के एक आपका भी एक थोड़ा तो असर हो जाते हैं। सो इस पे क्या होता है आप जस्ट इग्नोर करो, अब ये कहाँ है अभी, अरे वो जमाना अरे खत्म हो गया कभी। सो ये सारे चीजों एक वेरी सिस्टमैटिकली ये सारे हम डर गए सोशल रियलिटीज हम फिजिकली देखने के समय इसका ना ना नो नो ये हमारा का बताते हैं, ये हमारा परंपरा से है। और ये ग्लोबलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, लोग का एक भ्रम पैदाशी हो गया, सब बदल गया। सो वो खुद सो हम बेकूफ होने के हम ही तैयार हो जाते हैं, नहीं है। सो ये सिलसिला बहुत गंभीर है। सो ग्लोबलाइजेशन से फायदा ज्यादा से ज्यादा ये सेक्शन ऑफ द पीपल कॉर्पोरेट पे है, कई उनका फायदा से बहुत मिल चुका। कोई बिल्कुल हम नहीं कह सकते ग्लोबलाइजेशन से कुछ भी बदल नहीं होगा, किसी का भी फायदा नहीं, बिल्कुल है। बट गरीबी, अति गरीबी और मजदूर किसान उनका बहुत 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 नुकसान, परमानेंट काम से निकाल के कैजुअल लेबर तक आ गया, आउटसोर्स करना शुरू हो गया, जैसे कई चीजों पे उनका। सो
ग्लोबलाइजेशन का असर उनका जीवन पे हर जगह हर दिन बिल्कुल है। सेम टाइम कई चीजों में नहीं है बोलना भी ग्लोबलाइजेशन वजह से बहुत आसान हो गया। सो आप दिखाते अरे रैकेट देखो, हमारा सैटेलाइट देखो, मेट्रो देखो, कई चीज दिखाने के भी कई चीज है अभी। सो हम नहीं कह सकते इट इज नॉट डेवलप्ड एनीथिंग, इंडिया इज जस्ट एज इट इज इन लाइक 1947, वो नहीं कह सकते। आफ्टर 90s इट हैज रैपिडली चेंज्ड, बट टुवर्ड्स द ओनली फॉर द सेक्शन ऑफ द पीपल, ये हम लोग याद रखना, ओनली फॉर द वेरी मिनिस्क्यूल सेक्शन ऑफ द पीपल, उन्हीं के लिए वो बदल सारे। बट दिखाने के सो उन्हीं के सिर्फ मेट्रो नहीं दिखा सकते, दिखाना तो सबको दिखा सकते ना। सर ये गड़बड़ी थोड़ा है, ये बहुत हम लोग ने इसका तो बहुत क्या कहना, यू हैव टू लुक विद द वेरी क्रिटिकल लेंस, अदरवाइज आपका ये आपका नजर का ये पता भी नहीं चलेगा, एक भ्रम फायदा शुरू हो गया। और मैनुअल स्केवेंजिंग की सर जब हम बात करते हैं तो the people who are actually doing this work, they are just doing it just because ये उनका caste है, और हम लोग बस ये title कर देते हैं because he or they are just untouchable, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आज के time में हम अभी globalization की बात कर रहे थे, things have changed and stuff, for some people it has still not, but the thing is sir, अगर चीज़ें इतनी बदल रही है, हर sector में बदल रही है, तो आज भी कई जगह caste inequality अभी भी exist क्यों करती है, क्यों इसके ऊपर आज तक कुछ होता नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स बुक्स या फिर ब्लॉग्स तो पब्लिश हो जाते हैं, मीडिया कवर कर देते हैं, बट जब हम ग्राउंड रियलिटी पे पहुंचते हैं तो हमें रिजल्ट में बस ये देखने को मिलता है कि कास्ट इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। ये तो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। सो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, इसका हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, व्यवस्थीकृत कई चीजों है, कई प्रॉब्लम्स है, कई समस्या है देश का अंदर, इसका हम लोग ने सिस्टमैटिकली यू हैव टू एड्रेस। ये ग्लोबलाइजेशन आ गया, ये असर से वो भी हवा पे ऐसे ही उठ के चल जाएगा, ऐसा नहीं होते हैं। जाति का अगर हम लोग खत्म करना, जाति निर्मूलन होना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट होना चाहिए, तो यू हैव टू एड्रेस ओनली कास्ट। बिना कास्ट का नहीं करे तो वो भी हो जाएगा, ये वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट पे आपका बोरवेल डालना चाहिए तो बोरवेल डालने के वहाँ जाने के रास्ता भी डालना पड़ते हैं, सो रास्ता डाले तो इसका पेट भी रखना, ऐसा एक एक का दूसरा दूसरा असर होते हैं। कास्ट का अगर एड्रेस करे तो अभी गरीबी है, सारे अमीर हो जाए तो कास्ट खत्म हो जाएगा, अनपढ़ है सारे लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू करके सारे लोग पढ़ाई अच्छा करे तो जाति खत्म, बिल्कुल नहीं है। जाति एक व्यवस्थीकृत एक कठिनाई सच है, ये सच्चाई एक सोशल रियलिटी का हमें एड्रेस करना पड़ता है वेरी सिस्टमैटिकली, हर व्यक्ति करना पड़ता है, हर समाज करना पड़ता है, हर गांव पे इसका काम करना पड़ते हैं, हर जिला का अंदर, हर राज्य का अंदर, पूरा स्टेट का अंदर, इंडियन पार्लियामेंट पे भी होना चाहिए इसका। ऐसा ऐसा नहीं है एक जगह एक चार लोग जाके हम जाति अभी तोड़ दिया, हम कोई प्रैक्टिस नहीं, ये ड्रामा कोई भी कर सकते, जाति जैसा चीज नहीं है, ये 5,000 साल का है, हमारा एक बड़ा बीमारी से है। सो ये बीमारी का आपने दवा लेना पड़ते हैं। सो इधर क्या करते हैं अगर करना चाहिए तो भी, सो हम सोचते हैं जाति जाति किसका प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं जाति किसका प्रॉब्लम, किसी से पूछो वो बोलेगा ये अछूत का प्रॉब्लम है, सो वो अनटचेबल का प्रॉब्लम है, सो अनटचेबल्स हैं वो दलित लोग हैं उनका समस्या है, ये गलत है। कास्ट है ये नॉन अनटचेबल है उन्हीं का प्रॉब्लम है, वो देखते हैं सब उनका साथी कौन कौन रहते हैं उनका, वो अनटचेबल वो सोचते हैं, उनका सोच का प्रॉब्लम है, वो अनटचेबल का प्रॉब्लम नहीं है। सो नॉन अनटचेबल्स नॉन दलित होते हैं कोई भी होगा, वो सारे उनका दिमाग खराब है, ये खराब का दिमाग वो ठीक करना उनका खुद जिम्मेदारी है,
इसका ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, और आप फिफ्थ नेशन इन द वर्ल्ड, हमारा इकोनॉमी बढ़ गया, इससे लेना देना कुछ नहीं है. आप अमीर हो जाए तो जाति खत्म नहीं होते हैं. जाति एक सच्चाई है, ये देश का कठिन सच्चाई है, इसका एड्रेस करना चाहिए. तो कौन दबंग नीति है, दबंग जाति सोचते हैं, वो लोग सारे बदलना पड़ते हैं. हर व्यक्ति का दिमाग बदलना, एक जनरेशन नहीं है, दो तीन जनरेशन कंटिन्यूसली यही सिलसिला पे हम जाना पड़ते हैं. जाए तो वो खत्म हो, इतने जल्दी एक सेकंड का अंदर मैंने ऐसा नहीं. बट इसका कहाँ से शुरू करना, शुरू तो राजनैतिक इच्छा शक्ति हो ये तो सिर्फ आते हैं. समाज ऐसे ही एक दिन सुबह उठ के हम जाति खत्म करना, सारे समाज नहीं सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, उनका जरूरी नहीं है. सरकार ने उनका कानून वजह से उनका वो तैयार करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना. इफ दे डोंट हैव द पॉलिटिकल विल टू डू दैट, नोबडी कैन चेंज. सो दे मस्ट पुट द फर्स्ट स्टेप, देन सारे लोग वो रास्ता पे आ जाएंगे. हायरिकल स्ट्रक्चर को अगर कास्ट, मतलब कास्ट में एक हायरिकल स्ट्रक्चर है, आपका एक वर्ण सिस्टम है, बहुत लोग कहते हैं उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए. क्या आपको लगता है वो एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन होगा? बिल्कुल करना ही पड़ता है. हम ऐसा एक भेदभाव रखे, एक असमानता रखे, एक स्त्री पुरुष एक असमानता है, एक जाति असमानता है, ये सारे ऐसा ऐसा रख के, फिर हमारा साथी संविधान भी रख के समानता का हम लोग हर दिन पूजा करके, ये पूजा जैसा हो गया. अब पूजा करेगा, आपका भक्ति हो ना हो, अगर वहां आके देख के पूजा करेंगे. सो संविधान भी हमारा देश का 75 साल से हम लोग एक पूजा का एक किताब जैसा लगाया, इसका इम्प्लीमेंट करने के. अरे असमानता हमारा जीवन पे है, असमानता हमारा गांव पे है, असमानता हमारा परिवार पे है, असमानता हमारा दिमाग का अंदर है, ये खत्म करना कभी नहीं सोचते हैं. सरकार भी इस पे कोई दम कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ तो ऐसा बोलेगा कभी, हम अनटचेबिलिटी नहीं होना, एक भाषण देगा, भाषण से नहीं होते. दैट हैज टू बी कम्प्लीटली गेट कोलैप्स, यू हैव टू कोलैप्स, then only it will come the new India. Otherwise it is in a just the same India. There is nothing much. अमीर लोग का बढ़ जाते हैं, दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, इतने है आपका, और अमीर लोग थोड़ा बढ़ जाएंगे, इससे क्या होता है. ये इंडिया का संविधान का जरूरी नहीं. अगर संविधान का रख के, संविधान का according to the constitution we have to see that the India in the different lens. वो इंडिया तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे. All 75 years we have not moved. We made some efforts, some trials, some challenges we have taken. No doubt at all. We made, but substantial change on the jati नहीं किया. आपका विजन क्या है इंडिया को लेके? इंडिया भेदभाव नहीं होना, असमानता नहीं होना, जैसा इंडिया चाहिए. Where everybody feel a kind of a equality. I must feel I am also equal. You think that everybody equal. I must feel, you must feel, some person in the country, remote place, must also feel. वो सब लोग सोचना, उनका सोचना नहीं, उनका वो भावना आना. अभी तो हम लोग सब समान हो गया, ये भावना उनका मिलना. असमानता तो रख के हम लोग ने, और 5 trillion इकोनॉमी बनाया हमने, ये सारे हम लोग ने फेस्टिवल करने के, नहीं तो रिकॉर्ड ब्रेक करना, ये काम नहीं कर सकते. रिकॉर्ड ब्रेक करने के काम नहीं है. हम आखिरी व्यक्ति, ये देश का नागरिक पहले व्यक्ति, ऐसा नहीं होते हैं. ये देश का नागरिक सारे सम्मान है. सो सबका एक ही साथ जाना, ऐसा समाज चाहिए हमारा. ऐसा ये कैपिटेशन फीस से एक पढ़ाई, एक प्राइवेट कॉलेज पे एक है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इधर वो नहीं जा सकते, इधर वो नहीं जा, ऐसा नहीं जरूरी. सरकार ने जिम्मेदारी लेना, हेल्थ एजुकेशन एंड सच इम्पोर्टेंट थिंग, सैनिटेशन, वो सारे सरकार ने जिम्मेदारी लेना पड़ता है. मेनी कंट्रीज दे स्पेंड 6% ऑफ देयर GDP ऑन द एजुकेशन. स्मॉलेस्ट कंट्रीज लाइक नॉर्वे,
देर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो कहाँ है? आपने गया, हमने ब्रिटेन का नीचे डाल के हम ऊपर चले गए, हमने हा 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 आप बोल सकते, बट हमारा सोशल एंड डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम कहाँ पर है? हंगर इंडेक्स पे कहाँ है? हम हंगर इंडेक्स आए तो इस पे गिर जाते हैं, इस पे आप ऊपर चले तो कैसे, दोनों कैसे हो सकते एक देश के अंदर? अरे मिड डे मील्स पे खाना देने के समय उनको तो चावल दे रहा है इसका नमक डाल के खाने के बता रहे, ये नीति होते है देश का। बच्चे का खाना देना गति नहीं है, ये क्या क्या ट्रिलियन है आपका ट्रिलियन? ये थोड़ा हम लोग ने सीरियस मैटर्स है, हमारा बच्चे का खाना देना हमारे पास उनका नमक दे रहा है, मैं वो देख के मैं आई फील सो बैड, व्हाट इज दिस कंट्री? बच्चे इज अ बच्चा या कोई किसी का बच्चा भी हो सकते है, ये उनका बच्चा मेरा बच्चा ऐसे नहीं होते है, ये देश का बच्चा है, ये देश का किशोर या वो लोग टुमारो सिटीजन्स, उनका ताली पे आपने एक जस्ट एक सब्जी देना आपका पास ताकत नहीं, ये क्या सरकार है, क्या चलाता है सरकार? ये कई चीजों है, इस पे हम लोग ने ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ नहीं करेगा, हम बुलेट ट्रेन लगा के बुलेट ट्रेन देखो दे तो देख सकते, कोई एग्जीबिशन लगा के सब लोग जाके बुलेट ट्रेन भी देख के आ सकते, फायदा क्या है? देश का नागरिक का सबका 1947 अगस्त 15 तारीख सब लोग कैसे एंटर किया, अरे हमने अभी आजाद बन गया, हम गुलाम सारे खत्म हो गया, ये कुछ का एक मन पे आया ना, ये अभी भी सबका होना चाहिए। ओ सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग द फ्लो, बट हियर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू इफ यू आर एन यूपीएससी स्टूडेंट। इफ यू आर समवन who lacks the clarity, who lacks the confidence, or is not having a proper strategy, or lacks the courage to take decision for their life in terms of UPSC, then look no forward but to Mitra's IAS. Mitra's IAS is a premier institute established in Karol Bagh, which has mentored tons of students who have cleared the UPSC civil service examination. For all the details related to the organization, look into the description of this video. And yeah, enjoy the podcast. सर जैसे अभी आप अगर के अभी के पैराडाइम की बात करें ना, एक आपके एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल्स हैं और आपका एक एक्सट्रीम राइट विंगर्स है। अब लेफ्ट राइट को काटने में लगा और राइट लेफ्ट को काटने में लगा, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अब वो चाहे करंट गवर्नमेंट हो या फिर वो अपोजिशन हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक हमारा जो एक सोसाइटी है वो बढ़ चुका है लेफ्ट और राइट में, और उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है जो मिडिल क्लास होता है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जिनको पॉलिसी मेकर्स की जो पॉलिसी है उसको फेस करना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपका स्पेक्ट्रम क्या है इसको देखने का, ये जो लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स हमारी कंट्री में है। सी पॉलिटिक्स लेफ्ट राइट नहीं है, इसका अलावा भी है, इवन द मेजॉरिटी कितने भी मिला होगा उनका तो 30-40% ही मिला, इससे ज्यादा किसी का नहीं मिला। आई क्रॉस द 50% मोर देन दैट नो बडी इज देयर। कोई विचारधारा से देश का नहीं चला सकते, देश का ये देश का नागरिक चलाना पड़ते हैं। सो ये देश का नागरिक ऐसा हम सोच रहे हैं एक राइट विंग बन गए एक लेफ्ट विंग, ऐसा नहीं है। मंदिर का जाने के समय मंदिर जाते हैं, पोलिंग बूथ का जाने के समय अलग जैसा बन जाते हैं। बट ये लोग ने पॉलिटिशियंस ने उनका एक भ्रम पैदाशी कर दिया, ये सारे इधर जाने वाला इधर वोट डालते हैं, वहां जाने वाला इधर वोट डालते हैं, एक भ्रम पे लगा के वो भ्रम से ये खेल खेल रहा है राजनीति। बट सच्चाई क्या है? पीपल्स को पॉलिटिक्स आए, उनका रोजगार का सवाल है, उनका गरीबी का सवाल है, उनका भूख का सवाल है, उनका मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम कंफर्ट का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ का सवाल है। इन्हीं चीजों पे कोई भी एक बात भी नहीं करना, इसी वजह से राइट बनाओ लेफ्ट बनाओ और सेंटर बनाओ कुछ भी बनाओ, फोकस वहां है, वहां जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री से ये देश का सब नागरिक पूछना पड़ता है, भैया ये देश का गरीबी अभी क्यों, अब 5 trillion क्या है, ये देश का इतने अमीर इतने जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ रहा है, इसका आपका गतिविधि आपका कानून आपका क्या क्या तरीका है, ये कारण नहीं होते हैं, ये उनसे पूछना पड़ते हैं, हम इससे नहीं पूछना।
इतने रोज बेरोजगार हो रहा है, उनका रोजगार चाहिए, ये क्या है? ये प्रश्न बिल्कुल नहीं है। आप राइट है लेफ्ट है? राइट का लेफ्ट का, मुझे फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए, मैं काम करना, काम करके मैं भी पैसा थोड़ा कमाना, मैं भी अभी आज का स्थिति पे है, इसी स्थिति से थोड़ा आगे जाना, ये देश का नागरिक का सबसे बड़ा सवाल है। वो सारे बंद करके, दिमाग सारे खराब करके, अब डीजल का पेट्रोल का दाम 100 रुपया से ऊपर चल जाए तो भी सारे लोग चुपचाप दे बैठ के देख रहे हैं। उनसे पूछे तो क्या, हाँ क्या कर सकते, युद्ध हो गया इसलिए बढ़ते हैं। सो लोग कैसे सोचना भी, कोई राजनीतिक पार्टी ने कंट्रोल करे तो वो देश नहीं होते हैं। नागरिक का आजादी चाहिए सोचने के। सो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, देश का क्या कमियां है आज का तारीख पे, इस पे हम लोग कैसे कर सकते। मैं पावर पे अगर आ जाए तो कितने करोड़ लोग का मैं रोजगार दे सकती। अभी भूमिहीन लोग कितने लोग हैं, उनका जमीन कहाँ से लेके दे सकते, लैंड रिफॉर्म्स कैसे करेगा, ये देश का संपत्ति है, इस पे हर व्यक्ति का हिस्सा कैसे देंगे, इस पे सवाल उठाना कोई तैयार नहीं होते हैं। एक एक इलेक्शन पे करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं बेशरम, और एक एक शादी करने के समय इतने डमा डमा, इतने सजावट ऐसा लगा के ऐसा बनाते हैं, शर्म नहीं होते हैं? कहां से आते हैं पैसा, ये देश पे पैसा कहां से आते हैं? वो कोई श्रमिक ने होगा, मजदूर होगा, उनका पसीना से पैसा मिलते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के टाइप करके आप बना के पैसा नहीं आते हैं, प्रोडक्शन से पैसा आते हैं, नेचुरल रिसोर्स से पैसा आते हैं, देश का संपत्ति है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इसका बेच के पैसा लेके आ जाते हैं, ये पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, ये सवाल है। ये छोड़ के हम राइट है लेफ्ट है क्या है, यही सवाल आ गए। सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बेचने के कौन अधिकार दिया आपका, ये पब्लिक का है प्रॉपर्टी, यू आर नॉट ए ओनर, यू आर ओनली इलेक्टेड ओनली फॉर द 5 years टू रूल अस। 5 साल के बाद अगर मैं सोचेगा बाहर आना, अब बिल्कुल बाहर आना पड़ते हैं, मतलब यू आर नॉट ए पावरफुल, आपसे ज्यादा पावर मेरे पास है, सत्ता मेरे पास है, ये नागरिक का बताना पड़ता है। ये राइट का लेफ्ट का बात नहीं है, ये संप्रदाय है। फिर से क्या क्या बताते हैं, हम क्या खाना वो बताते हैं, क्या कपड़ा पहनना वो बताते हैं, कौन कैसे है ना, सब लोग आप ही बताएंगे हम क्या करेंगे। डोंट मेक ए सिटीजंस एज ए पपेट्स, ये केवल ठीक नहीं है। बट इंडिया में अगर आप हिस्टोरिकली देखें, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, हमेशा से एक रूलिंग स्ट्रक्चर तो रहा ही है, चाहे वो लेफ्ट रहा हो या राइट रहा हो पावर में, हम इंडियंस को हमेशा एक रूलिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ा है। और जो क्रिटिसिज्म है, अगर राइट है पावर में तो लेफ्ट करेगा, लेफ्ट है पावर में तो राइट करेगा, तो आपको नहीं लगता सर हम एक सर्कल में फंसे हुए? नहीं ना, 47 से ऐसा राइट लेफ्ट तो कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट तो 1947 से नहीं है, कई राज्य पे कई रूलिंग कर रहा है, पूरा इंडिया एक ही व्यक्ति का हाथ से नहीं है, ऑल स्टेट्स आर डिफरेंट, मेनी स्टेट्स आर रूलिंग बाय मेनी पीपल इवन बिफोर। सो गुजरात का शासन राइट विंग कितने साल से है, अगर आप सोचेगा अभी राइट विंग से है तो 30 साल से वही रूल कर रहा है। सब मतलब वो समय लेफ्ट विंग इधर कर रहा है, राइट विंग वहां, इधर राइट लेफ्ट, ये राजनीति का लोग ना खेल है। मैं नहीं कह रहा है विचारधारा नहीं है, सारे बकवास मैं नहीं बोल रहा, वो तो बिल्कुल है, बट एक्चुअली पीपुल्स प्रॉब्लम्स है, इस पे चर्चा थी पहले 1976 इमरजेंसी आया ये देश पे, वो समय सारे लोग बाहर आ गया, राइट कहा गया लेफ्ट कहा गया, नो राइट नो लेफ्ट नो सेंटर, ये आजादी का बात है। सो सारे लोग बाहर आ गया, सारे लोग बाहर आके वो समय का प्रधानमंत्री इंदिरा जी था, उनका तो बताया नमस्कार चलो बाहर। ये देश का नागरिक का ये सारे लोग ने अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपका 5 साल 10 साल शासन मिलने के बाद आपका ये घमंड बन रहा है, आप सोच रहे मैं ये रूल करेगा, बिल्कुल नहीं है। ये देश का नागरिक सबसे दुनिया पे सबसे बुद्धिजीवी है, उनका गुलाम बनाने के ये सारे नेतागण उनका गुलाम रखने की कोशिश है।
वो कभी बाहर आएगा वो लोग ने कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो लेंगे ये देश आपका मर्जी से लेके जाना, ये देश का नागरिक नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी वो भेदभाव क्रिएट करते हैं, वो ब्रिटिश वाला भी वही किया, हिंदू मुस्लिम बनाया, वो भी एक खेल खेल लिया। सो वो खेल अभी भी खेल रहा है, एक ही खेल कितने साल का खेल सकते, थोड़ा दिन के बाद लोग कभी पता हो जाएगा, हमेशा ये खेल ना खेल सकते, बिल्कुल आएगा। इंडिया इज नॉट लाइक ए अदर कंट्रीज, दे विल जस्ट कीप पॉइंट। इंडिया इज द ओनली वन कंट्री अराउंड ऑल अदर नेबरिंग कंट्रीज, वो समय से अभी तक डेमोक्रेसी मीन्स एवरीबडी डेमोक्रेसी। 5 साल का एक बार इलेक्शन होना ही पड़ते हैं, ये कोई भी बंद नहीं। अभी कई लोग ने सोच रहे हम इलेक्शन भी बंद कर सकते, हमने ये तरीका वो तरीका, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहे ऐसा आप सोच गलत है। ये देश का नागरिक वेरी श्रूड, बट वो तो बहुत साइलेंट है, बहुत सहनशील है, बहुत टॉलरेंस है, वो साइलेंट बैठता है। आखिरी एक समय मिल जाएगा, वो दिन वो उनका ताकत क्या है वो दिखाएंगे। सो मेरा विश्वास है ये देश का बचाना, ये देश का नागरिक का जिम्मेदारी है, देश का बचाने के काम वो बिल्कुल करेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा वो आएंगे। पॉलिटिक्स तो डिस्कस हो गया सर, अब मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसे सर आप जिस स्टेचर से आप आए हैं, जहाँ जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं और यहाँ तक आज पहुँचे हैं, आप उन लोगों की आवाज़ है जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, या आजकल लोग सुन के भी अनसुना कर देते हैं। तो मैं पर्सनली आपकी स्ट्रगल उसमें जानना चाहूँगा कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज कमिंग फ्रॉम देयर एंड देन बींग देयर एंड देन फाइनली बींग देयर वॉइस। सी मैं दूसरा का वॉइस नहीं है, ऐसा सही नहीं है, वो लोग मेरे से बहुत मजबूत लोग हैं, उनका आवाज़ वो अच्छा आराम से उठा के अच्छा जोर से बोलने के ताकत है। बट समस्या क्या होते हैं, ये सारे लोग बाहर आके बोलना उनका पास इतने समय नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। वो लोग हर व्यक्ति दिल्ली आके दिल्ली पे बोलना मुश्किल है। सो कोई ना कोई एक कदम आके आके उनसे प्रेरणा लेके उनसे मदद लेके ही हम यहाँ तक पहुंचे। सो आई एम नॉट गिविंग देम वॉइस, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग मी टू स्पीक, सो दिस इज देयर वॉइस, दिट इज नॉट माइन। दूसरा है मेरा पर्सनल कन्विक्शन, एक है ये कैसे है, मैं खुद देखा ये कितने कठिन है, कितने क्रूर आए, इतने क्रूरता मैं कहीं नहीं देखा। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक भ्रष्टाचार का और भी बड़ा समस्या है, हम नहीं लेते हैं इसका। एक इंसान का बुला के आओ मेरा थट्टी उठाओ, ये कैसे कर सकते, करके भी हमारा को कुछ नहीं होते हैं, ये मुझे बहुत आयरनी है। अरे करवा के किसी से काम, अब साइलेंट बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होते हैं। अगर कुछ किसी का कुछ भी नहीं हो तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, ये क्या बात है, ये इंसान है नहीं है। सो यहां से मेरा जर्नी शुरू होते हैं। सो ये पर्सनल आई डिस्टर्ब्ड, मुझे बहुत परेशान है। किस एज में आपको रियलाइज हुआ था सर? मतलब छोटा बचपन से ही थोड़ा थोड़ा होते हैं, बट मेरा 15-19 साल से 15 से 16 साल का समय थोड़ा स्ट्रांगली आई फेल्ट, ये तो आई एम सॉरी बराबर है ऐसा बोलने के एक दिन आ गए। इसका पहले आई ऑल्सो फेल्ट वो क्या ठीक है, ये कुछ चल रहा है ऐसे चलेगा, क्यों तो हमारा समाज पे कितने लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग बताते हैं सिखाते हैं, ऐसे ही है, कई दिन का बाद चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे ही है, पहले भी ऐसा था, समाज ऐसे ही होते हैं, समाज का नीति ऐसे ही होते हैं, अभी तो बदल जाएगा, ऐसा कई चीज एडजस्ट करवाते हैं। बिकॉज डायरेक्ट आना चाहिए तो क्या होते हैं, आपका खुद रोजगार चल जाते हैं, आपका जीवन नहीं होते हैं, आपका एजुकेशन छोड़ना पड़ता है, सो कौन तैयार होते हैं, सबका एक पैटर्न ऑफ द लाइफ एक है ना, पढ़ाई होने के बाद एक काम मिलना,
काब मिलने के बाद एक शादी होना, शादी होने के बाद एक परिवार होना, परिवार होने के बाद एक घर बनाना, फिर एक एक पैटर्न ऑफ द लाइफ है ना, इससे बाहर जाने के किसी का भी अच्छा नहीं लगते। कई लोग का होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं लगते हैं, ये होना ये होना ये, मुझे ये क्या होना मुझे पता नहीं, बट क्या नहीं होना मुझे अच्छा जानते हैं। ये मैला प्रथा है, ये नहीं होना, ये मुझे अच्छा जानते हैं। इसका और क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मेरा जीवन का, ये क्या क्या प्रभाव होगा, ये मैं कभी भी आज तक नहीं सोचा, आज तक मैं कभी नहीं सोचा। हाँ, मैं कैसे खाना, कहाँ खाना, कहाँ सोना, कैसे जीना, कहाँ से पैसा, ये मेरे दिमाग के अंदर कभी नहीं आते, इतने डर नहीं है मेरा। आई बिलीव पीपुल, आई स्ट्रांगली बिलीव पीपुल, सो आई डोंट केयर एनीथिंग। आप अपने लाइफ में जहाँ जिस स्टेज पे आप हैं, कई बार आपके दिमाग में आता है कि यू शुड शिफ्ट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स? नो, आई एम ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, इन प्रॉपर पॉलिटिक्स, इन द प्रॉपर इन द सेंस आई मीन वेरी क्लियर एंड द सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, आई एम नो वेयर आउट, आई एम देयर इन द पॉलिटिक्स, बट ओनली थिंग इज आई डोंट कंटेस्ट इन द इलेक्शंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे मैं नहीं है, सत्ता लेने के में नहीं है, लोकल सत्ता मिलना, उनका कैसे सत्ता मिलेगा ये मेरा काम है, ये दैट इज माय पॉलिटिक्स। माय पॉलिटिक्स इज एक्चुअली टू मेक द पीपल टू गेट देयर ओन पावर, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली पीपुल्स पावर, इट इज एन सॉवरेन कंट्री, मीन्स द पीपल आर द सॉवरेन, द सिटीजन्स आर द सॉवरेन, द सॉवरेन सिटीजन का कितने ताकत होते हैं, ये उनका सारे ताकत कब्जा करके कोई बैठ जाके ये सत्ता बोले तो इसका मैं आई डोंट केयर, आई डोंट अग्री दैट, आई वॉन्ट टू टेक बैक, आई वॉन्ट टू टेक बैक ऑल द पावर फ्रॉम देम, सो वाई शुड आई गो देयर अगेन, सो इफ आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू टेक बैक दैट पावर एंड पावर टू द पीपल, दैट इज माय पॉलिटिक्स, वॉइस टू द पीपल, पावर टू द पीपल, वेल्थ टू द पीपल, एवरीथिंग टू द पर्पस, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल, पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनाने के पॉलिटिक्स, ये मैं नहीं कह सकता, दैट इज नॉट एक्चुअली इन ट्रू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स एक्चुअली इट इज द पीपल्स पावर, दैट अनफॉर्चुनेटली मेनी आवर लीडर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे थिंक दैट बाय कैप्चरिंग द पावर यू कैन, नो, दिस इज ऑल्सो पावर, वॉट आई हैव, डिड आई हैव एनी ग्रेजुएशन डिग्री, नो, Do I have any bank balance? No. Do I have any property or any asset? No. Then why? How I am making my own politics? Do you think that I am not powerful? So I am also ruling. एक भावना का मैं rule कर रहा है. मैं एक विचारधारा लिया. बाबा साहेब अंबेडकर का क्या विचारधारा होते हैं मैं बता रहा है. Openly talking. People are listening. That is also power. So power is not just getting the power, becoming a minister. Unfortunately, we are driving everything towards the power. No. Actually, we have to drive towards the people's power. How? Ye politics wo log nahi samajh pa rahe. This is the politics. I am fully 40 years. I am in politics. Not even one day. I can claim myself as an, I am a one of the senior politician of this country. I do politics every time I do. I do say that when what to do, strategies every day we make. Government give the statement, immediately I give the another statement. No, this is not correct. This is all politics. What else is the politics? Politics is not for the power. Unfortunately, we are making a very this thing. People's power and power everywhere. Power should not get stagnated or accumulated in any one place. Ek jagah sare satta laga ke hum mazboot hona bahut galat hai. Ye kabhi bhi loktantra pe ye baat nahi hogi. Kitne ye desh ka pradhanmantri aur rashtrapati jyada se jyada unka paas satta na hona. That is the true power. उन्हें यही काम करना,
सारे फाइल मेरे पास आना, सारे डिसीजंस मैंने लेना, ये देश का मैंने बचाना। अरे एक व्यक्ति नहीं बचाना देश का, इट इज इन अ ग्रेट कंट्री, वी हैव द इन आवर डीएनए देयर इज अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, बट इसमें असमानता है, इसमें कई गलतियां हैं, ठीक करना। बट डोंट थिंक दैट वी आर अनडेमोक्रेटिक, वी आर अ डेमोक्रेटिक, देयर इज अ वॉइस, थोड़ा तो स्पेस है डेमोक्रेटिक वॉइस, सुनते हैं लोग अभी भी, नहीं तो हाउ आई सर्वाइव्ड, नॉट विद माय हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल रुपी गिवन टू मी, बट आई एम मैनेजिंग, पीपल आर देयर, सो डोंट थिंक दैट द कंट्री हैज कंप्लीटली वैनिश्ड एंड एवरीथिंग हैज गॉन एंड हम कैसे, नो नो, जिंदा है अभी भी। So when you hear the word reservation या फिर आरक्षण जिसको बोलते हैं, so there is a lot of controversy that revolves around it. Again, the left and the right comes into this. So I would like to know your perspective on reservation, or is it correct that there should be reservation in any sector, you say, whether let it be education or let it be the legislature? See, it is not reservations, it is actually representation. Representation is everywhere is very much important. If the some schools like a very rich school where they don't even know that what is the poverty. So they are completely, their education whole, whatever they invested, everything is a zero. They can't even understand what is the poverty. So there is just a small story. Somebody who studied very rich school and all, they asked somebody to write about the poverty. So what is the poor and the poverty? He said that I know one person and he is a very poor, and unka gardener bhi poor hai, unka ghar pe kaam karne wala bhi wo bhi bahut garib hi hai, unka ek gaay hai wo bhi bahut garib hi hai, aur sare garib. That is what is an understanding of the one rich school student, which means what? Their education is a zero. So to know that the whole world view, we need a different kind of a representation everywhere. If not the whole Dalits are not there in the parliament, how you will see the Indian parliament? It is just a dustbin. If the women are not very clearly represented, proportionate way in the Indian parliament, it's a completely dustbin. It is in a people's participation, people's representation. In education, they need. In employment, yes, of course. So otherwise you want to become just a kuber, arab pati se kuber, aur kuch banayenge. So that is not the actually thing. So to come out of all those nonsense, whatever happened so far, to make in a country as an equal. So there is a representation aane ke ek chota reservation. Reservation is nothing. But the problem here is, people, उनका 35 मार्क्स आया वो भी मिल गया, मुझे 65 आया, और अरे आपने बचपन से, आपका कितने जमीन है, आपका नाम पे क्या लगाते हैं, नाम जनरल नाम है ये देश का अंदर, आपका नाम का इतने लंबा एक लगाते पूंछ, जाति का बिना आपका नाम होते हैं ये देश पे, शर्म नहीं होते हैं जाति का नाम लगा के, आज तक वो जाति का नाम लगा के नाम रखते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड वो लगा के फिर आएगा मेरा तो, ये कितने घी खाते हैं, कितने जमीन है आपका पास, कितने प्रॉपर्टी है, छोड़ो एवरीथिंग, दो जनरेशन आ जाओ, सोशल वेलफेयर हॉस्टल पे आओ, पढ़ो, दिखाओ आपका 93% कैसे आएगा, देख तो प्रतिभा कहाँ है, ये थोड़ा समझना हम लोग ने, वो डून स्कूल स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट दोनों एक ही होते हैं, and you both want to have the same equal competition. हम थोड़ा समझकर आगे जाना कोशिश करना, गरीबी है वो कैसे एक लोकल लैंग्वेज पे रीजनल लैंग्वेज पे पढ़ाई से आ जाते हैं, वो आपसे कॉम्पीट कर रहे, ये बड़ा बात है आपका, why you have no affirmative kind of an action in your mind? हम अफर्मेटिव एक्शन इधर नहीं है, अमेरिका पे भी है, बहुत डेवलप्ड कंट्री से भी है, हमने हमेशा एक जगह तो रखना ही पड़ते हैं, ये दलित का सिर्फ नहीं है, ये देश पे सबसे पहले रिजर्वेशंस कहाँ है,
ब्राह्मण ने लिया ये देश का, किसी का जानते हैं केरला पे पहले रिजर्वेशन शुरू होगा, वो समय पहले उन्हीं का ही रिजर्वेशन था, किसी का नहीं था, ये इतिहास कौन बोलेगा? मतलब क्या होते हैं दूसरा लोग ना पढ़ना कोई ऐसा बताया ना, कोई सेक्शन ऑफ द पीपल ओनली मस्ट स्टडी ना, दलित और पिछड़े वर्ग का एजुकेशन पे कब से शुरू है? 16 पे है, 17 सेंचुरी पे है, 18 सेंचुरी पे है, अरे कब से शुरू होगा? थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, ब्रिटिश जमाना आने के बाद ही शुरू होगा ना, स्कूल स्टार्ट किया था ना, नहीं तो सारे आपका आश्रम पाठशाला पे कौन आया, किसका आपने एजुकेशन दिया? डू यू डोंट थिंक दैट वो समय आपका 100% रिजर्वेशन आपका पास है, उनका 0% भी नहीं दिया, तो 100% रिजर्वेशन काया भूल गया, आज ही स्कूल तोड़ा, अभी अभी स्कूल खोला, अभी तो शुरू हो रहा है, इसका अंदर आप आके घुस के उनका 35 आ गया, उनका 85 आ गया, ये कहां से है? ये बहुत गलत बात है। हमारे का कितने मंदिर है अभी देश का अंदर, कितने मंदिर है किसी का जानते हैं? करोड़ मंदिर है, कम से कम लोग कहते हैं 3 करोड़ से ऊपर 3.2 करोड़ ऑफ द मंदिर, कोई मंदिर का अंदर कौन होते हैं? वह रिजर्वेशन किसका है? दूसरा का है, दूसरा जाते हैं? आप बोलते हैं एक रिजर्वेशन पे वो पढ़ाई अच्छा किया, उनका बच्चा का भी मिल रहा है, आपका तो पीढ़े से पीढ़े आप ही पुजारी पंडित हो जाते हैं, दूसरा का दूसरा फैमिली का देना नहीं छोड़ते, ये मिराशी होते हैं, एक ही फैमिली रूल करते हैं, वो मंदिर के अंदर वो ही होते हैं, ये कौन बोलेगा? सो देयर इज एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री, यू डोंट पकड़ के एक छोटा ऐसा पकड़ के रिजर्वेशन आरक्षण 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 क्या है? आरक्षण इज टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी, आरक्षण का जरूरत है, ये हम लोग समझना, अगर कोई एक जगह इक्वल प्रोपोर्शनेट सारे जाति सारे इंसान सारे पुरुष स्त्री नहीं हुए तो वो वहाँ हम लोग जाके इमीडिएट एक पॉलिसी बनाना, उनका भी आने के हम रास्ता बनाना पड़ता है, उनका भी आना रास्ता बनाना पड़ता है, किसी का नहीं, आप नेशनल हाईवे बना के हम अकेला ये नेशनल हाईवे पे जाएगा, कोई अप्रोच रोड ही नहीं होना, ये कैसे नीति होते हैं? आप नेशनल हाईवे बनाए थे इसका अप्रोच रोड भी बनाना पड़ता है, दूसरा भी आना पड़ता है ना, दूसरा आने के एक छोटा बनाते रोड, यही आरक्षण है, इट इज नॉट आपका रोड से लेके बाहर नहीं लेके जा रहे है, आपका प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहे है, अगर प्रॉपर्टी नेशनलाइज करो, करो प्रॉपर्टी नेशनलाइज, रिमूव द रिजर्वेशन, टोटल प्रॉपर्टी देश का कितना है नेशनलाइज बनाओ, आरक्षण इमीडिएट निकालो, 5 सेकंड के अंदर खत्म करो, किसका चाहिए आपका रिजर्वेशन? बिग जैसा थोड़ा डालेगा फिर बोलेगा फिर। और दूसरा बात भी है, ये कुछ देते हैं लाइक एग्जांपल सम सब्सिडी दे रहा है, सो आपका सब्सिडी सरकार का क्यों दे रहा है? सबका सब्सिडी क्यों दे रहा है सरकार? पेट्रोल डीजल पे भी कई सरकार ने 10 रुपया 20 रुपया 15 रुपया सब्सिडी दे रहा है ना अभी भी, वो बता रहा है, दे आर क्लेमिंग हम दे रहा है थोड़ा पैसा, इसलिए हम लोग ने इसका काटना सब्सिडी काटना इसलिए दाम बढ़ रहा है, यही बता रहे ना, सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? उनका मालूम है ये देश पे सारे लोग हमारा ये पेट्रोल इतने पैसे से खरीदना मुश्किल है, इसलिए हम लोग ने हमारा सेस 2% कट करो, हमारा कितने प्रॉफिट नहीं, क्यों सोच रहे सरकार? अरे लेना सबका। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि रिजर्वेशन कई हद तक उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस तक मैं आप पे पूरा अग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स है, उसमें रिजर्वेशन को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, उसमें हम मान लेते हैं कि एक इंसान है जिसके पास रिजर्वेशन है, चाहे वो SC ST OBC या कोई भी रिजर्वेशन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रिजर्वेशन उन लोगों के पास होता है जो ऑलरेडी एक क्रीम लेयर को बिलोंग करते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज भी है और रिजर्वेशन भी है, तो कई बार आपको नहीं लगता जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ये जनरल वाले के साथ थोड़ा सा ये जनरल वाला का बात ही नहीं है, जनरल वाला उनका बॉर्डर क्रॉस करके
भाग रहा है। 16% रिजर्वेशन ने मिलना दलित जाति का, 8% रिजर्वेशन आरक्षण मिलना ट्राइबल का, उनका वो दोनों का क्रॉस करके आपके पास आए तो वो समय आप बताओ। अभी यूपीएससी पे ये परसेंटेज भी कभी फिल नहीं है, क्लास वन पे कभी फिल नहीं है, आपका क्यों, आपका इतने कहां से जला रहा है, ये आप समझना। कोई भी बोलने वाला जनरल वाला, कोई भी जनरल होगा, आपका जनरल का आपका जाति का कितने प्रतिशत है इतने ले लो, आप इतने ज्यादा बड़ी प्रतिभाशाली कोई नहीं है, आप दूसरा का आ गए ना, आपका 4% है तो आप 40% लेते हैं, ये गलत नहीं समझे क्या? आपने जाति लोग 4% है, 40% आपने आईएएस पे लेते हैं, कोई जाति आपका नहीं लगते हैं, दूसरा का आप कार्य है, आप 4% का वो फिर यहां नीति नहीं होते हैं, वो क्रिमी लेयर ले रहा है, इसका एक नाम है। अरे कोई भी लेयर होगा, कुछ भी होगा, अगर उनका जाति का लोग रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी पे नहीं हो तो वो अभी पटना पे देखा ना, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो मैडम वो आईएएससी पढ़ा है ना, वो क्या बोल रहा है, उनका बच्चा क्या पूछा था, बच्चा ने एक लड़की ने पूछा, मैडम हमारा का क्या जरूरत है वो देना, किससे पूछा, एक आईएएस ऑफिसर से, कहां पूछ रहा है, बिहार का पटना का नजदीकी है स्कूल, वो पूछ रहे कलेक्टर ने क्या बोलना, आपका क्या जरूरत है पूछना ना, वो बोला मेरा तो क्या चाहिए, सैनिटरी पैड चाहिए, वो बोला आज सैनिटरी पैड पूछेंगे, कल तो शू पूछेगा, कपड़ा पूछेगा, कंडोम पूछेगा, यही आईएएस होते, ये प्रतिभा होते हैं, दिमाग क्या खराब हो गया क्या? सो उनका एक्चुअली वो लड़की का कोई कारण से वो आरक्षण से वो लड़की कल कलेक्टर बन जाए तो ये देश पे कितने लोग का लड़कियां का क्या क्या समस्या है, शी विल रिफ्लेक्ट, शी विल टॉक। सो इफ यू डोंट एक्चुअली अलो देम टू कम एंड यू थिंक दैट ये क्रीमी ले रही, वो भूमि ले रही, क्या क्रीमी ले रही, आपका क्यों चिंता है, वो लोग ने सेटल करेगा उनका प्रॉब्लम, वो 16% का प्रॉब्लम है ना, आपका प्रॉब्लम नहीं है। 16% छोड़ के इससे बात आप आगे बात करो, अगर वो 16% से ज्यादा आ गया वो समय बात करो, ये बात अभी क्यों बात करें, वो 16% बोलते हैं, 6% भी वो ऑक्यूपाई नहीं किया इन द क्लास वन पे, 2% है आज का तारीख पे क्लास वन पे, सो हु विल टॉक अबाउट दिस, ये बात नहीं होते है। सो आरक्षित का बात करने वाला पहले बात ये बात करना, कहा मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वह तो 70-90% दलित जाति है, वहां कर आरक्षण का नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, वहां क्यों नहीं आते हैं, आप आओ सर, आपका कहा कंफर्ट है वह चाहिए, कहा नहीं है वह दलित जाति का सारे डालो, यही नीति होते हैं। सो वी हैव टू सी द बोथ एंड द इक्वल लेंस, आपका देखने का समय एक लेंस पे देखेगा, दूसरा का देखने का समय दूसरा लेंस लगाएंगे, आपका सारे चीजों में गड़बड़ी हो जाएगा। आप एक ही लेंस लगा के सबसे देख, सब दुनिया, सब इंडिया देखो, इंडिया एक ही लेंस से देखो, गांव भी जाके देखो, आपका परिवार का स्थिति भी देखो, आपका क्या कौन सी जाति का बिलोंग करते वो भी देख लो, गांव जाए तो आपका कितने फ्री मिल रहा है वो भी देखो, कितने लोग का पसीना से आप आज तक यहाँ पहुंचा वो भी सोचो, वो कोई ना कोई बच्चा आया 75 years में क्या आया, 2 or 3 generations है, एंड हमारा का 60-70 तक कोई स्कूल ही सही ढंग से नहीं, 70s का बाद ही हमारा स्कूल्स, 90s का बाद थोड़ा फिर सरकार ने जिम्मेदारी से बाहर चल रहा है, सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारा कहाँ कहाँ हमारा काम करने वाला महिला है वो बच्चे का फीस का जमा करना, उनका भर्ती करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सो वो रो रहा है आज, सरकार कंप्लीटली आउट ऑफ द जिम्मेदारी से, सो सरकार भी वो काम करना, कोई रिजर्वेशंस नहीं, जरूरी नहीं, सब लोग का एक ही बार धर्म बोलो। नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज एन ए वेरी सिंपल, इफ यू आर एबल टू डू दैट देर इज नो रिजर्वेशन, ऑल आर इक्वल, देन पोलिटिकली वी आर इक्वल, economically we are equal, then culturally we will automatically will become,
So you have the tremendous, enormous properties. And जमींदार जैसा अभी भी काव पे इतने बड़ा 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 कार, ये ट्रैफिक भी जाम हो जाते, इतने बड़ा कार लेके वो कोई पैदल जाने वाला आपका साथी साथी आना और आपसे कॉम्पीट करना, उनको तो मुश्किल होते हैं समझना. हम लोग ने कई हिंदी पढ़ाई वाला, आप अंग्रेजी पढ़ा क्या के दोनों एक ही जगह कर रहे, हम दोनों एक ही हैं, ऐसे नहीं होते हैं. कई स्कूल का तो पूरा टीचर्स भी होते नहीं, वो खुद पढ़ के टेक्स्ट बुक से पास होके आ रहा है. हाउ दे कैन स्कोर ना 90%. सो देर इज एन ए सिस्टमैटिक मेनी हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यू. वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ने सेटल नहीं करे तो एकदम आके सारे एक ही हैं, इट इज नॉट फैक्ट. ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी टाइम से था जो मैं चाहता था कि पर्सनली मैं आपसे पूछूं. सर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सोसाइटी में, आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग हो, आपका कास्ट इनइक्वालिटी हो, रिजर्वेशन हो, कुछ भी हो, अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को आप देखें, उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगती है कि सोसाइटी से कभी इरेडिकेट नहीं हो सकती, अगर हम एक परफेक्ट पैराडाइम इमेजिन भी करें, लेकिन तब भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी सोसाइटी में, आपको क्या लगता है ऐसी क्या प्रॉब्लम? नो, ऐसा में इतने निराशा में कभी नहीं होते हैं. सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल रिजॉल्व होना ही पड़ते हैं. हम नहीं कह सकते ये तो रिजॉल्व नहीं होगा. इवन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑल्सो, आई हैव एन ए ड्रीम दैट डेफिनेटली वन डे द एवरीबडी विल डेफिनेटली एंजॉय विद एन इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल असेट्स, इक्वल इनकम, एवरीथिंग हो जाएगा. सो वर्ल्ड ऑर्डर ये अभी आज का तारीख पे क्या चल रहा है वो देख के यही है, ऐसे नहीं सोचना. World order is in, it is in so ancient and so big, and we are after all hardly we may live and we may work for the 30, 40, 50 years maximum in the life. Rest we are in the childhood, we can't do anything, and after certain age we cannot make much changes. The 30, 40, 50 years se ye kya kar sakte, bahut kam age samay hai. Itne hi sare change hona kai cheeze ke kal संभावना नहीं हो सकती. मे नॉट बी पॉसिबल टू विद इन वन लाइफ टाइम एवरीथिंग विल चेंज, बट डेफिनेटली द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट लीव दिस. वी आर वेरी टॉलरेंट पीपल, वी आर वेरी साइलेंट, बट नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एन इनइक्वालिटी, दिस काइंड ऑफ एन ए सिस्टमेटिक वायलेंस ऑन द वीमेन. द वीमेन आर नॉट गोइंग टू स्पेयर. They will come out. They will question. They will say that आपका कैसे आजादी है? ये मेरा भी है, आपका सिर्फ नहीं है. ये बोलने के this we have to wait for that day. The day will come soon. Day is not so far. It is so soon, and it will come definitely. Certainly it will come. Wonderful, sir. I guess that was all from my side, sir. I hope you enjoyed this conversation. Thank you, sir. I am so happy. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much.